नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बोरा। दोस्तों आज हम आपको सुप्त वज्रासना को करने का सबसे आसान तरीका और इससे होने वाले हेल्थ बेनिफिट के बारे में बताएंगे। सुप्त वज्रासना एक ऐसा अभ्यास है, अगर आप इसे नियमित 5 से 10 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो इसे करने से पेट की गैस और नाभि चक्र यानी धरण गिरना, पिछोटी पड़ना जैसी समस्या दूर होती है। यह हमारे आंतों के कड़ापन दूर करता है और हमारे पैरों के जकड़न अकड़न की समस्याओं को दूर करता है। दोस्तों यह अभ्यास हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाता है। जिन लोगों को भूख नहीं लगती है उस समस्या को भी दूर करने का यह सबसे बेस्ट अभ्यास है। दोस्तों सुप्त वज्रासना को करने के लिए आपको सबसे पहले वज्रासना को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना आना चाहिए। सबसे पहले आपने अपने स्टार पोज में ऐसे बैठ जाते हैं और फिर अपने राइट पैर को नीचे से ऐसे बेंड कर लेते हैं और लेफ्ट पैर को भी नीचे से ऐसे बेंड कर लेते हैं। ऐसे वज्रासना की पोजिशन पर आपने बैठ जाते हैं और आपके पैर दोनों पैर के अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हो, दोनों पैरों की एड़ियों के बीच में ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे घुटनों के ऊपर रख लेते हैं। इस अभ्यास को आप खाना खाने के तुरंत बाद या किसी भी समय प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसे करने से हमारे पेट से जुड़े सभी विकार दूर होते हैं। दोस्तों बहुत से लोग जिन्हें जब हम ज्यादा खाना खा लेते हैं तो खाने के बाद जो बेचैनी होती है इस वज्रासना को करने से दूर होती है। फिर इसके बाद आपने ऐसे ही वज्रासना पर बैठकर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पैरों के पीछे से ऐसे रखते हुए सबसे पहले आप ऐसे सुप्त वज्रासना की को ऐसे प्रैक्टिस कीजिए। अपने सिर को ऐसे पीछे को ऐसे लटका लेते हैं। अगर आपके शरीर में कड़ापन है या फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है या फिर आप बहुत अधिक मोटे हो तो सबसे पहले आप इस सुप्त वज्रासना को ऐसे प्रैक्टिस कीजिए। फिर धीरे धीरे अपनी दोनों कोहनियों को जमीन पर ऐसे रखते हुए धीरे धीरे अपने सिर को भी ऐसे जमीन पर स्पर्श करा लेते हैं और ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने नाभि केंद्र के पास ऐसे रख लेते हैं। कोशिश कीजिए कि आपके दोनों घुटने ऐसे आपस में स्पर्श कर रहे हो और कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखें, 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें और या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने सिर के ऊपर ऐसे बांध लेते हैं, इंटरलॉक कर लेते हैं और थोड़ा अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करने की कोशिश कीजिए। कुछ देर होल्ड करके रखें। इस अभ्यास को करने से हमारे शरीर की जकड़न और अकड़न दूर होती है और हमारे शरीर के कड़ेपन को दूर करने का यह सबसे बेस्ट अभ्यास है। और सांस छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को नीचे लाते हैं, सांस अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं। एक्सहेल करते हुए नीचे ऐसे ही से अपने हाथों को अप डाउन करते हुए 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने नाभि केंद्र के पास रख लेते हैं। जब आप इस अभ्यास को ऐसे ही एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास ऐसे रख लेते हैं और अपने सिर को ऐसे मोड़ लेते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने नाभि केंद्र के पास रख लीजिए, 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें और फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास रखते हुए ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं। ऐसे स्टार पोज की पोजीशन पर आ जाना है। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाते हैं, श्वास छोड़ते हुए पश्चिम उत्तानासना की पोजीशन पर आते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप स्टार्टिंग में 2 मिनट मेंटेन करके प्रैक्टिस कीजिए करें। फिर इसका अभ्यास क्रम बढ़ाकर आप 5 से 10 मिनट नियमित प्रैक्टिस कर सकते हैं।